तो चलिए इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं टाइटल की। दोस्तों टाइटल बहुत ही अहम होता है आपकी वीडियो के अंदर। अगर आपने टाइटल सही से लगा दिया तो आपकी वीडियो रैंक कर जाएगी, और रैंक करने का मतलब होता है सबसे ज़्यादा व्यूज़ आपकी वीडियो पर आएंगे और व्यूज़ के साथ सब्सक्राइबर भी गेन होंगे। तो आज हम बात करेंगे टाइटल के बारे में, कुछ टिप्स और ट्रिक्स मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। वीडियो को अंत तक देखेगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो दोस्तों, तो जानते हैं टिप्स नंबर पहली। तो टिप्स नंबर पहली ये है कि आप जब भी वीडियो बनाते हो तो आपने वीडियो किसी ना किसी एग्जैक्ट कीवर्ड्स के ऊपर बनाई होती है। यानी कि अगर आपने वीडियो काइन मास्टर के ऊपर बनाई है तो काइन मास्टर आपका जो है एग्जैक्ट कीवर्ड्स होता है। तो आपको क्या करना है, टाइटल में काइन मास्टर जो है सबसे आगे लिखना है। उसके बाद अगर आपने वीडियो के अंदर काइन मास्टर के रिलेटेड कुछ भी समझाया हुआ है तो टाइटल में बाद में डालना है। अगर आपने पावर डायरेक्टर के ऊपर वीडियो बनाई है तो पावर डायरेक्टर आपको पहले लिखना है। टैक्स के बारे में अगर आपने वीडियो बनाई तो टैक्स पहले लिखना है, उसके बाद में टाइटल डालना है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं टॉम एंड जेरी के ऊपर बहुत सारी वीडियो है, लेकिन उसने सबसे पहले टॉम एंड जेरी लिखा है, उसके बाद उसने मेन टाइटल डाला हुआ है। यानी कि आपको भी यही करना है। अगर आप चाहते हैं कि यूट्यूब का एल्गोरिथम आपको आपके जो भी टाइटल है उसको सबसे ज़्यादा वेटेज दे, तो आपको आपका जो एग्जैक्ट कीवर्ड्स है उसको टाइटल में सबसे आगे लगाना है, उसके बाद आपको आपका मेन टाइटल जो है टाइप करना है। अगर आप टैक्स के ऊपर बना रहे हो, यूट्यूब टिप्स के ऊपर बना रहे हो, पावर डायरेक्टर के ऊपर बना रहे हो, काइन मास्टर के ऊपर बना रहे हो, या फिर आपकी कोई कुकिंग की चैनल है, अगर आप रसगुल्ला बनाना चाहते हो या फिर बनाना सिखाने वाले हो, तो रसगुल्ला जो है आपको पहले लिखना है, उसके बाद आपको टाइटल डालना है। तो इस तरह से आप करोगे तो आपके टाइटल को सबसे ज़्यादा वेटेज मिलेगा और आपकी वीडियो 100% रैंकिंग में आएगी। चलिए दोस्तों, मेरी दूसरी टिप्स ये है कि आप जब भी कोई भी कीवर्ड सर्च करते हो यूट्यूब के अंदर तो बहुत सारी वीडियो आपके सामने आ जाती है। वहाँ पे आपकी वीडियो ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि आपकी वीडियो को रैंकिंग नहीं मिलती है उतनी, इसीलिए आपकी वीडियो रैंकिंग में नहीं आती है। लेकिन एक ट्रिक को आपको यूज़ करना है जिससे आप जो है आपकी वीडियो को रैंकिंग में ला सकते हैं। वो ट्रिक है कि आपको नंबर का इस्तेमाल करना है आपके टाइटल के अंदर। आप देख सकते हो यहाँ पे एक कीवर्ड है, सबसे अच्छा एडिटिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है, उसके ऊपर यहाँ पे सर्च किया हुआ है, लेकिन बहुत सारी वीडियो आई है, लेकिन सारी वीडियो में से आप देख सकते हैं ज़्यादातर वीडियो के आगे नंबर लिखे हुए हैं, 5 नंबर, 3 नंबर, इस तरह से लिखा हुआ है। यानी कि टॉप 5, टॉप 3, टॉप 7 या फिर टॉप 1, इस तरह से आपको जो है आपके टाइटल के अंदर नंबर का इस्तेमाल करना है। अगर आप नंबर का इस्तेमाल करोगे तो आपकी वीडियो के टाइटल को सबसे ज़्यादा वेटेज मिलने वाला है और आपकी वीडियो जो है ऊपर रैंक करने वाली है। तो ये बहुत ही उम्दा और बहुत ही बेहतरीन टिप्स है दोस्तों। आप जब भी टाइटल का इस्तेमाल करें, भले ही आपने वीडियो के अंदर 3-4 बातें बताई हो, आपको पता हो कि मैंने 3-4 बातें बताई है, तो टॉप 4 करके लिखिए, टॉप 3 करके लिखिए, लिख सकते हैं टॉप 5 करके भी लिख सकते हैं। यानी कि आप किसी भी तरह से आपके टाइटल के अंदर नंबर का इस्तेमाल कीजिए। अगर आप नंबर का इस्तेमाल करोगे तो आपकी वीडियो जो है अच्छी तरह से रैंकिंग में आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है दोस्तों, और व्यूज़ भी बहुत ही अच्छे आते हैं अगर आपकी वीडियो रैंकिंग में आती है तो। चलिए दोस्तों, मेरे टिप्स नंबर 3 ये है कि जब भी आप टाइटल सिलेक्ट करते हो, टाइटल लिखते हो, तो आपको सबसे ज़्यादा एट्रैक्टिव वर्ड का इस्तेमाल आपके टाइटल के अंदर करना है, ताकि व्यूअर जो है आपकी वीडियो देखने के लिए उत्साहित हो जाए या फिर एक्साइटेड हो जाए कि इस वीडियो के अंदर आखिर ऐसा क्या है। ऐसे वर्ड्स को आपको यूज़ करना है, जैसे वर्ड्स हो गए ऑसम, अमेजिंग, मोस्ट अमेजिंग, परफेक्ट, स्किल, अनरियल, वाव, यमी, इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स हैं। अगर आप ऐसे वर्ड्स को टाइटल में यूज़ करोगे तो व्यूवर्स जो है आपकी वीडियो देखने के लिए ज़रूर आएगा और एक बार आपकी वीडियो को ज़रूर वो ओपन करेगा ये देखने के लिए कि आखिर उस वीडियो के अंदर ऐसा क्या है जो टाइटल के अंदर इस तरह के वर्ड्स को यूज़ किया गया है। तो ये ट्रिक भी बहुत काम करती है दोस्तों। तो आपको आपके टाइटल के अंदर एट्रैक्टिव वर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि आपकी टाइटल को बहुत ही ज़्यादा एल्गोरिथम की तरफ से वेटेज मिले और आपकी वीडियो रैंकिंग में आ सके। चलिए दोस्तों, मेरी अगली टिप्स है कि आप जब भी वीडियो का टाइटल सिलेक्ट करते हो, पसंद करते हो या फिर टाइटल टाइप करते हो, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा सर्च होने वाला वर्ड्स है हाउ टू। जी हाँ दोस्तों, आपको आपका टाइटल जो है हाउ टू के ऊपर से रखना है, यानी कि हाउ टू डाउनलोड काइन मास्टर APK। तो यानी कि आपको हाउ टू से आप कोई भी टाइटल सिलेक्ट करोगे या फिर कोई भी टाइटल रखोगे अपनी वीडियो का, तो रैंक होने की संभावना सबसे ज़्यादा है। तो अगर आपको लगता है कि आपने अपने वीडियो के अंदर कुछ भी समझाया है लोगों को या फिर कोई भी ट्यूटोरियल दिखाया है, तो आपको अपना टाइटल जो है हाउ टू से ही स्टार्ट करना है। अगर आपने इस तरह से किया तो आपकी वीडियो रैंकिंग में आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। तो ये वर्ड जो है यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा सर्च होता है, इसीलिए
टाइटल में ज्यादातर हाउ टू का इस्तेमाल जरूर। चलिए दोस्तों, मेरी अगली टिप्स ये है कि आप में से बहुत सारे लोग नहीं जानते कि यूट्यूब का अल्गोरिदम जो है 70 कैरेक्टर के बाद डॉट ले लेता है, यानी कि आप अगर अपने वीडियो का टाइटल अगर टाइप कर रहे हो तो आपको एक एक कैरेक्टर को गिनना है, यानी कि 70 कैरेक्टर तक ही आपको अपना टाइटल जो है ख़त्म कर लेना है। अगर आपने 70 कैरेक्टर तक आपका टाइटल ख़त्म नहीं किया तो YouTube पे अगर कोई भी बंदा आएगा तो आप उसको आपका टाइटल जो है आधा ही दिखेगा। तो आपको क्या करना है, कैरेक्टर गिनना है, 70 कैरेक्टर होने से पहले आपको आपका टाइटल ख़त्म करना है, ताकि जब भी बंदा यूट्यूब के ऊपर कुछ भी सर्च करे तो आपका टाइटल पूरा दिखे और वो पूरा पढ़ सके, इसीलिए आपकी वीडियो जो है वो वॉच कर सके। इसीलिए आपको जो है 70 कैरेक्टर का ध्यान रखना है। 70 कैरेक्टर बोल रहा हूँ, 70 वर्ड्स नहीं बोल रहा हूँ। स्पेस को भी एक कैरेक्टर गिन लेता है। यूट्यूब का अल्गोरिदम कुछ इस तरह का है, यानी कि एक बात ध्यान रखना, 70 कैरेक्टर से पहले आपको आपका टाइटल ख़त्म कर लेना है। चले दोस्तों, मेरी अगली टिप्स है क्लिक बैट टाइटल के बारे में। दोस्तों बहुत सारे लोग क्लिक बैट करते हैं, लेकिन इस बार मैं कुछ अलग बताने वाला हूँ। क्लिक बैट यानी कि मान लीजिए आपने टाइटल लिख रखा है हाउ टू बिकम अ रिच, और दूसरा टाइटल है हाउ टू बिकम अ रिच इन वन डे। इन दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क है दोस्तों। हाउ टू बिकम अ रिच यानी कि आप अमीर कैसे बन सकते हो, तो लोग आपकी वीडियो देखना पसंद करेंगे। लेकिन अगर आपने लिख दिया हाउ टू बिकम अ रिच इन वन डे, तो लोगों को पता है दोस्तों, लोग पागल नहीं है, एक दिन के अंदर कोई भी अमीर नहीं बन सकता। तो ये दोनों टाइटल के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, हालांकि आपको पता नहीं चलता है। तो आप जो है इस तरह के टाइटल जो है अपनी वीडियो के अंदर डाल देते हैं, जिससे लोग पढ़ते तो है लेकिन उसे क्लिक नहीं करते। तो दोस्तों जब भी आप टाइटल डालें तो कुछ इस तरह से आपको ध्यान देना है कि जो चीज़ इम्पॉसिबल है वो चीज़ की तरफ से आपको टाइटल, उस तरह का टाइटल जो है आपको आपकी वीडियो के अंदर यूज़ नहीं करना है। अगर आपने ऐसा यूज़ किया तो हो सकता है आपकी वीडियो भले ही रैंकिंग में हो लेकिन व्यूज़ जो है कम आएंगे। चले दोस्तों, तो आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली वीडियो में कुछ बेहतरीन इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लाने वाला हूँ। चलिए अगली वीडियो में वापस मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।